नमस्कार, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि लगातार कोविड-19 की जो महामारी है उससे आप और हम सभी लगातार युद्ध लड़ रहे हैं और जब तक इसको हरा नहीं देंगे तब तक हम युद्ध लड़ते रहेंगे। लॉकडाउन लगातार रहा और अब जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सारे लोग अपने घरों से भी निकल चुके हैं, अपने कामकाज में भी लग चुके हैं। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आपको सावधानी अभी भी बहुत रखनी पड़ेगी क्योंकि लगातार जो है संक्रमण बढ़ रहा है कोविड-19 का। तो आपको और हमको विशेष रूप से अपना और अपने समाज का और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखना है। लेकिन साथ में बहुत सी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। चाहे किसी भी फील्ड की बात करें तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां पर परेशानियां बढ़ रही हैं और अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ साथ हम जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या गरीब परिवार हैं या किसान परिवार है या किसी भी क्षेत्र के परिवार हैं, उन सभी को किसी न किसी तरह से तकलीफ और परेशानी हो रही है। अगर हम लगातार बात करते रहें तो विशेष रूप से अभी जो हाल आज हमारा जो मुद्दा है वो रहेगा स्कूल फीस जो है वो माफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं जिन्होंने करीब 50% छूट भी की है, किसी ने अलग अलग तरीके से छूट की है और किसी ने बिल्कुल भी छूट नहीं की है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और प्रदेश के राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी कल एक अपने वक्तव्य में ये बात कही थी कि अगर स्कूल नहीं चल रहे हैं, स्कूल में अगर सिलेबस तैयार नहीं है तो फिर फीस जो है वो किस बात की। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अलग अलग फील्ड के और शिक्षा से जुड़े हुए फील्ड के कई एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी जो कि शिक्षाविद हैं और समाज सेवी भी हैं। हमारे साथ हैं हेमलता जी जो कि खुद स्कूल की ओनर भी हैं और समाज सेवी भी हैं। हमारे साथ राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं शांतनु शर्मा जी। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगी स्वप्ना बरुआ जी जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। तो आप तीनों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके ओपनिंग व्यूज लेना चाहूंगा कि क्या आप सोचते हैं कि स्कूल की जो फीस है वो माफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम सिटी लाइफ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे विषय को आज उठाया है जो ज्वलन तो कही जा सकता है लेकिन समाज की दुखती हुई रग में उसको कहूंगा कि हर व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या उससे बड़े हुए विषय को आपने उठाया, तो आपका आभार। अब आपने पूछा कि फीस माफ होनी चाहिए नहीं। दीपक जी देखिए, इसका अगर प्रश्न किसी से भी पूछेंगे तो जवाब है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अंतर्मन से नहीं चाहेगा माफ होना। सबको पता है आज की स्थिति आप ये देखिए। लेकिन मैं तो सबसे पहले एक बात कहकर, मुझे हमेशा कुछ कहने की अलग आदत होती है, तो मैं यही कहूंगा कि इन जो स्कूलों के जो मालिकाना हक वाले है ना, उनमें से कितने लोग सही मायने में शिक्षाविद है, इसका भी आकलन किया जाए। आज जितने भी बड़े स्कूल चल रहे हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद हो जाएगा तो आधी समस्या का स्वमेव समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज भी अगर इनकी स्थितियां है तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इन्होंने चाहा ही नहीं वरना अंदाज बदल सकते थे। जनता के जो आंसू है वो इनकी आंखों से भी निकल सकते थे। ये स्कूल के मालिक लोग ठहरे हुए हैं झील के पानी की तरह, दरिया बने तो कहीं दूर निकल सकते हैं, इसको नहीं सोच रहे। स्कूल की फीस वाकई में माफ होनी चाहिए क्योंकि समय ये हो गया। आप ये देखिए कि कुछ भी कहे, पहले तो व्यवसाय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज आपने भी खुद ने कहा कि 22 मार्च से स्थिति खराब है, देश की स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, इसमें बार बार व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। जब आदमी के पास खाने का भी अकाल हो गया है, उसमें आप ये चाह रहे हो कि नहीं भाई, एक तरफ तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान हो चुका है कि आइए पड़ोसी को दो रोटी आप भी बना के दीजिए अगर आपके पास चार है। जब इस तरह का आह्वान इस देश में चल रहा है तो क्या इन शिक्षा के स्कूल के मालिकों को नहीं सोचना चाहिए? 3 महीने की शिक्षा फीस माफ करनी है, मात्र 3 महीने की। 3 महीने जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। स्कूल के मालिकों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। मैं हेमलता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेता हूं क्योंकि ये खुद स्कूल की ओनर भी हैं और समाज सेवी भी हैं। ये अभिभावकों के भी उतने ही टच में रहती हैं जितना कि स्कूल की ओनर्स के टच में रहती हैं। हेमलता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस महामारी के दौरान, क्योंकि ऐसी महामारी करीब 100-200 सालों में कभी कभार आती है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की महामारी ना आए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आप स्कूल की ऑनर भी हैं और आप एक बच्चों के साथ भी लगातार आपका इंटरेक्शन रहता है और इसके साथ साथ अभिभावकों के भी आप टच में काफी रहती हैं, तो आप क्या सोचती हैं स्कूल की फीस को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अ बिग सैल्यूट, आपने इतना बर्निंग इशू उठाया और इस विषय पे हमारी बात रखने का हमें मौका दिया।
मेरा ये मानना है कि जो लोग ये बोल रहे हैं बार बार में ये ढोल पीटते हैं कि स्कूल की फीस बंद होनी चाहिए, माफ होनी चाहिए, क्या वो लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ऊपर हैं? जब हाई कोर्ट ये मान चुका है कि फीस माफ नहीं होगी, स्थगित की जाएगी, हाँ अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो बिटवीन गार्जियन और स्कूल, अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ करते हैं तो आपके ऊपर है, अदरवाइज माफ नहीं हो सकती है, क्योंकि यथावत ऑनलाइन क्लासेस चालू है। आज मैं केवल ये चीज कहूंगी कि स्कूलों ने फीस माफ करी भी है, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस, आलोक जी, आलोक जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, पहले फर्स्ट व्यू ले लूं सभी लोगों का, फिर आपके पास आऊंगा। लेट मी फिनिश। सारा वर्ग ये क्यों चाहता है? इट इज ए पेंडेमिक, ये वाकई एक वैश्विक महामारी है जिसमें सारा वर्ग प्रभावित हुआ है। तो आप लोग क्यों चाहते हो कि केवल जो बलिदान है वो शिक्षक ही देवे या स्कूल संचालक ही देवे? क्यों नहीं मंत्री जी ये बयान देते, मतलब क्यों नहीं मंत्री जी अपनी तरफ से कहते हैं कि जब तक शिक्षा शुरू नहीं हो जाती है सुचारू रूप से, जब तक स्कूल नहीं जाते हैं, तब तक मैं भी मेरा वेतन जो है वो देश के नाम करता हूँ, तब तक मैं भी ये जो मेरी सुख सुविधाएं, मैंने सरकारी बंगला ले रखा है या सरकारी तमाम संपूर्ण प्रकार की सुविधाएं, मैं भी तब तक स्थगित करता हूँ जब तक प्राइवेट स्कूल नहीं खुल जाती है। क्यों नहीं सरकारी टीचर जो लाखों के पैकेज लेते हैं सालाना, मंथली 70-70-80-80 हजार रुपए तनखा लेते हैं, क्या एक बार भी उनके दिमाग में नहीं आया कि हम भी हमारा आधा वेतन देश के नाम करते हैं? या उन प्राइवेट टीचर्स को जिनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, वो संचालक जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी भी मदद कर दी जाए? क्यों क्यों वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं आगे आते हैं? क्या केवल बलिदान का केवल आपने एक शिक्षक को एक टारगेट बना रखा है कि साहब माफ करें तो फीस स्कूल वाले माफ करें? अरे आप भी तो आगे आइए, मुख्य जो है हमारी शिक्षा मंत्री जी वो नजीर पेश करें कि साहब मैं ये त्याग पत्र देता हूँ शिक्षा मंत्री के पद से, जब तक प्राइवेट स्कूलें नहीं खुल जाती। उन्होंने एक बयान दिया था कल कि साहब प्राइवेट स्कूल की बात की, फीस लेने शिक्षा शुरू ही नहीं हुई है। तो भाई जब शिक्षा शुरू ही नहीं हुई है, कोई काम ही नहीं है, तो एज एजुकेशन मिनिस्टर व्हाट यू आर डूइंग? मैं सर दीपक जी आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ, प्लीज ये मेरी बात उन तक जरूर पहुंचाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब शिक्षा का कार्य शुरू नहीं हुआ तो जिस दिन कार्य शुरू हुए उसी दिन आप सरकार का वेतन लीजिएगा, वो भी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल हेमलता जी, हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों की जो बात है वो हमारे चैनल के माध्यम से हम शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाएं। हम अभी आपको गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कल जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने क्या कहा उस पर भी हम आपको उनके व्यूज दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि एक बार शांतनु जी जो है वो अपने फर्स्ट व्यूज रख दें कि उनका क्या मानना है। जी शांतनु जी। देखिए सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैम ने कहा, हेमलता जी ने कहा कि एक तो पहली बात कि हाई कोर्ट ने एंटरटेन की है रिट पिटीशन मेरिट फाइंड करके, उसमें नोटिस इश्यू हुए, तो मैटर सब जुडिस है, मैं भी उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो नंबर वन बात तो ये कि कुछ ना कुछ मेरिट कोर्ट को लगी है, ठीक है। नंबर टू जहां तक है कि फीस की अगर हम बात करें तो फीस जो होती है वो हमेशा किसी चीज के रिटर्न में होती है, उसके रिलेशन में डायरेक्ट कोरिलेशन सर्विस का होना आवश्यक है, जिसे कहते हैं जिसकी एवज में होनी चाहिए, लीगल लैंग्वेज क्विड प्रो क्यो, ठीक है ना। तो अब वो चीज अगर मिसिंग होगी, आज आप मेरे को ये बताएं कि कितने पेरेंट्स हैं जो आज से पहले कभी फीस देने में आनाकानी कर रहे थे। पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। किसी भी स्कूल ने, मैनेजमेंट ने ये एफर्ट किया कभी भी कि भाई ये देखा जाए कि जिस तरह के हम ऐप कर रहे हैं उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, इफेक्टिव कितनी है एजुकेशन? मेरा भी हाईकोर्ट में जो मैंने रिट याचिका लगाई है जनहित याचिका, उसमें कोर्ट ने नोटिस किए, उसमें भी यही बात रेज की गई कि एक रेगुलेट तो की जाए। हर स्कूल अपनी मनमर्जी से क्लास चला रहा है, नहीं चला रहा है, कोई रेगुलेशन है नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो फीस बिल्कुल चार्ज कीजिए, आप ज्यादा भी करें तो भी कोई नहीं, लेकिन उसके एवज में क्वालिटी एजुकेशन हक है पेरेंट्स का। आज आप पेरेंट्स को कंपेल करते हैं कि साहब आप बुक्स खरीदिए, मटेरियल खरीदिए, लेकिन वो सारा ऑनलाइन के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है जी। तो वो चीजें तो आप देखें। दूसरे एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जो कि लीगल ही है बात, एनसीटी रेगुलेशन जो सभी टीचर्स पे लागू होते हैं ट्रेनिंग से संबंधित, उसमें डीएलएड क्वालिफिकेशन में क्लियर कट कह रखा है कि एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन जो है उसमें बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा मकसद होता है कि उसको क्लासरूम रेगुलरिटी मेंटेन की जाए, ना कि आप एक लेक्चर डिलीवर 40 मिनट का कर दें, बच्चा कितना समझ रहा है, क्या डिवाइस है, कुछ आपको पता नहीं है, है ना। तो ये चीजें इंश्योर करना बहुत जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए फीस चार्ज की जाए उसके विरुद्ध कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन के लिए फीस ली जाए। मैं आप तीनों को एक बार रोकना चाहूंगा और पहले आप लोगों को, हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह चौटासरा, उन्होंने क्या कहा जब उनसे कुछ स्कूल के ऑनर्स जो है, प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स जो है मिलने गए थे, तब उन्होंने क्या कहा, लीजिए देखिए। अभी कोर्स तैयार नहीं, सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता, अभी कोर्स तैयार नहीं,
सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता, अभी कोर्स तैयार नहीं, सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता नहीं, तो आप किस बात की फीस ले रहे हैं? किस बात की फीस ले रहे हैं? धन्यवाद। अभी कोर्स तैयार नहीं, सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता, अभी कोर्स तैयार नहीं, सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता, अभी कोर्स तैयार नहीं, सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता नहीं, तो आप किस बात की फीस ले रहे हैं? धन्यवाद। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब स्कूल नहीं चल रहा है, जब सिलेबस नहीं तैयार है, तो फिर फीस किस बात की, और ये कहते हुए उन्होंने निजी स्कूल के जो ऑनर्स हैं उनको धन्यवाद दे दिया। आलोक जी, आप जो गोविंद सिंह टोडासरा ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने, आप इस को किस तरह से लेते हैं? देखिए दीपक जी, अभी मैंने सभी को सुना, एडवोकेट शांतनु शर्मा को सुना, हेमलता जी स्कूल की संचालिका है उनको सुना, आपको भी सुना, और अभी अभी आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुनवाया। तो मैंने तो एक जो है शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल ये कहा उन्होंने कि भाई अभी क्यों ले रहे हैं, उधर उन्होंने शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांग रही है स्कूल संचालिका ने कि वो तो फीस क्यों ले रहे हैं। फीस के लिए वकील साहब ने बता ही दिया कि भाई फीस का ताकिया क्या होता है, वो भी सब चीजें हो गई। मैं तो अब ये कहूंगा जो आज के विषय पर अपन रहे हैं, तो उस विषय में सबसे बड़ी बात है दीपक जी, आप देखिए कि राइट टू एजुकेशन जो है, हम हमारे भारत में कहा जाता है कि भाई बचपन से सिखाया जाता है सनातन धर्म से कि शिक्षा जब संस्कार दोगे, शिक्षा संस्कार होती है। अब आप देखिए कल परसों ही आपने देखा स्टैचू सर्किल पे उन शिक्षकों से प्रदर्शन करवाया गया, क्यों ये सब जानते हैं। कई बार क्या होता है दबाव सामने नहीं आता है, स्कूल का मालिक नहीं था उस शिक्षक को, जो मजबूरी में वहां काम कर रहा है, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, या मेरे कोई परिवार का हो सकता है, उसको बुला के शिक्षक पहली बात तो क्या करता है, बच्चों को हम क्या करते हैं, शिक्षक से ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, शिक्षक को देख के सीखता है। आज कोरोना महामारी चल रही है, क्या सिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई नहीं, शिक्षक जब आ जाके ऐसे करते होंगे, वो बच्चे देखेंगे भाई हमारे गुरु जी ये कर रहे हैं, हमारी मम्मी कह रही है दूर रखे हो रहे, ये मैंने देखा प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं। तो कुछ चीजें जो होती है, दूसरी बात दीपक जी एक चीज है, राइट टू एजुकेशन का आप डाटा उठा के देखें, सरकार ने 221 करोड़ रुपए का पूर्व में भुगतान किया है इन स्कूलों को, आप डाटा से संकलन देखेंगे, कहा जा रहा है शिक्षकों के, अब क्या हो रहा है शिक्षा के मालिक इन स्कूल के टीचरों को लाके खड़ा रखे, इनकी फीस की बात है, इनकी तनखा की बात है, तनखा दो, कितनी तनखा में खर्चा होता है 20%, पूरे स्कूल के बजट का 20%। भाई आप ठीक है 20% सीट के लिए हो सकता है, मैं कह रहा हूं मैं पेरेंट्स की तरफ से कह सकता हूं 20% शिक्षा के अगर पेरेंट्स चालू भी हो जाएंगे ठीक है, तो आप इतनी फीस हम दे देंगे 10% 15% जो वेतन है बाकी को माफ करने का स्कूल ऐलान करें, नहीं, क्योंकि व्यवसायीकरण है, जितने भी मालिक लोग हैं, आप ये देखिए कि तबादला उद्योग कहा जाता था, शिक्षा से ही जुड़ा होता था, मैं उस विषय पर नहीं आ रहा क्योंकि विषय जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पैसे की जो माया है ना, इससे दूर होकर शिक्षा को दिया जाए। पुराने जमाने में गुरुकुल देते थे, इस जयपुर का एक उदाहरण और दे रहा हूँ दीपक जी, आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ कि जयपुर में जो हमारा केवी खुला, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लेता, मैं इंसानियत और मानवता की बात करता हूँ, तो उसमें आपको ये कह रहा हूँ कि जयपुर में जो केवी केंद्रीय विद्यालय है, जब 2 लाख की पॉपुलेशन थी एक केंद्रीय विद्यालय था, आज जयपुर में उस हिसाब से अगर देखा जाए जो आपका खोलने का जरिया है, जयपुर में कम से कम 18 केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए, है कितने 5। सरकार इस पर भी ध्यान दे, मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को आप लाइए, और व्यवसायीकरण जो हो रहा है बाजारीकरण इसको बंद कराइए, सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए कि किस इलाके में कितने संख्या पर कितने स्कूल होने चाहिए। हेमलता जी, गरीब स्कूलों से पढ़ के भी लोग आगे निकलते हैं। बिल्कुल आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमलता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो शिक्षा मंत्री ने अभी अभी हमने आपको बाइट सुनाई थी उनकी, उन्होंने जो इस तरह से धन्यवाद दिया और कहा कि जब स्कूल ही नहीं चल रहे, जब सिलेबस ही नहीं तैयार है, तो किस बात की फीस, आप क्या सोचती हैं इस पर? देखिए मैं ये कहूंगी शिक्षा मंत्री का इतना गैर जिम्मेदार बयान है और वो इतना झूठ बोल रहे हैं, मतलब एक मंत्री की पोस्ट पर रोके, आप एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट पर रोके, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। मंत्री जी आप ये कह रहे हो सिलेबस चालू नहीं हुआ, मैं आज ही का आपका केवी का सर्कुलर दिखाती हूँ जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है स्टडी शुरू हो चुकी है 17-20-21 की, अभिभावक फीस जमा कराएं। हेमलता जी, मंत्री जी अगर ये कह रहे हैं स्टडी शुरू हो चुकी है, पूरी बात सुनिएगा बिल्कुल सर, ये कह रहे हैं कि चालू नहीं हुआ, आप बताइए ये सरकारी स्कूलों में किस बात का प्रवेशोत्सव मना रहे हैं? लेकिन हेमलता जी, दूसरों की कमियां गिनाने से अपने खुद के पाप कम नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात कही दी जी आपने, बहुत बड़ी बात कही, पहले अपने मन में जाइए। सर मैं आपको मेरी 2 मिनट में बात कंप्लीट कर दूं। अब आलोक जी ने 3 प्रश्न उठाए, नंबर 1 उठाया आरटी, नंबर 2 उठाया उन्होंने केवी का कि ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, बेसिकली आरटी एजुकेशन के तहत, मतलब राइट टू एजुकेशन, ये एलिमेंट्री एजुकेशन
उपलब्ध करवाना शिक्षा को, इट इज अ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स हो, इट्स अ काइंड ऑफ एनजीओ जो कि नॉन प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस में रन करते हैं। प्राइवेट स्कूल एनजीओ आप कह रही हैं? अरे भाई प्राइवेट स्कूल तो धन्ना फेड हो चुके हैं, आप उसको एनजीओ कह रही हैं? मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप बोल सकती हैं एनजीओ है। मैं आपकी बात पर भी आऊंगी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। आलोक जी ने बड़ी बात उठा दी कि साहब शिक्षक रोड पर आ गए, शिक्षक को देख के शिक्षक आइडल होते हैं और बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करेंगे। आप ठीक कह रहे हो साहब, शिक्षक रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए, लेकिन आप बताइए वो शिक्षक आज भूखे मर रहा है, उसका परिवार नहीं चल रहा है, वो सड़क पे उतरेगा नहीं तो क्या करेगा? लता जी मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा, लेकिन क्या ऑनर्स के नाम पे आप टीचर्स को भेज देंगे? ऑनर्स के नाम पे आप टीचर्स को सड़कों पे उतार देंगे, उनके कंधों पे आप बंदूक रख के चलाएंगे? और भाई जी डी ग्रुप के सुरक्षा कर्मी, शिक्षक अगर खुद विरोध करेगा, शिक्षक विरोध करेगा तो डायरेक्ट फीस लेके घर जाके पढ़ा लेगा ना, आपके स्कूल में क्यों नौकरी करेगा? आप लोग शिक्षक के मालिक है स्कूलों के, कम से कम थोड़ी तो लिहाज करिए, अपने कर्मचारियों को आपदा में साथ दीजिए। जब इस देश के अंदर इंटरनेट का, इस देश में इंटरनेट का डाटा एक साल के लिए फ्री हो सकता है, क्या तीन महीने के लिए आप देश के लिए बलिदान नहीं देंगे? कैटेगराइजेशन की राजस्थान पोर्टल पर 50,000 आलोक जी एक सेकंड, मेरा एक सवाल है हेमलता जी से। हेमलता जी आप खुद स्कूल की ऑनर हैं और हमने अभी देखा कि स्टैचू सर्किल पे जितने भी जो स्कूल के ऑनर्स के नाम पे सारे अध्यापकों को, सारी टीचर्स को खड़ा कर दिया, और हमारे जो संवाददाता हैं उनकी कुछ अध्यापिकाओं से, टीचर से बात भी हुई थी, उनका कहना था कि हमको स्कूल के ऑनर्स ने ये कहा है कि अगर आप सड़कों पे उतर के विरोध नहीं करेंगी तो आपकी सैलरी भी नहीं देंगे और आपको जॉब से भी हटा दिया जाएगा। तो ये कितना उचित है? हेमलता जी अपनी जगह सही होंगी, वो मैनेज कर रही है, स्टाफ को सैलरी मिलनी चाहिए, वो एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्टिव रिजल्ट क्या है? आप उस सिर्फ स्टाफ को सैलरी पे करने के लिए जस्टिफाई कर सकते हैं? आप स्टूडेंट की एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? इज इट जस्टिफाइड? निवेदन करना चाहूंगी, पहली बात तो आज हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जो रिट पेरेंट्स ने लगाई थी कि साहब ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगनी चाहिए, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस बच्चों का अधिकार है, उसको रोका नहीं जा सकता है। मेरा सीधा एक सबमिशन है सर कि जब टीचर्स पूरा पढ़ा रहे हैं तो उनको वेतन क्यों नहीं दिया जाए? आज मुझे बताइए कि पूरे खर्चे स्कूल के वही हो रहे हैं, केवल डीजल का खर्चा बच रहा है स्कूल का कि भाई बसें रोड पर नहीं निकल रही है, बाकी वही इंश्योरेंस, वही किस्तें, क्या किसी बैंक ने एक भी लोन माफ किया है? क्या सरकार ने कॉमर्शियल बिल दे रहे हैं स्कूल वाले? क्या स्कूल सरकार ने कोई बिजली पानी का बिल माफ किया है? क्या कोई ईएमआई माफ करी है? स्कूल कमाई का साधन है क्या? आपकी बात मैं समझ रहा हूँ हेमलता जी, स्कूल कमाई का साधन है क्या? मुझे तो इतना सा एक जवाब दे रहे हैं कि आप बोले आज आप स्कूल कमाई का साधन है और स्कूल का एक सुनिए, स्कूल का जो उद्देश्य है, एक सेकंड हेमलता जी अपनी बात रखिए। मैं बोल रही थी राजस्थान में 50,430 स्कूल पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उनमें से 40,000 स्कूल ऐसे हैं जो 10,000 वार्षिक फीस लेते हैं और उनमें से मात्र 10% ऐसे स्कूल है, अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो मात्र 240 स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 50,000 से ऊपर है। मैं भी मानती हूँ कुछ चुनिंदा स्कूल ऐसे हैं जो विभागों को ही टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं कि आप 400 का जूता। चलो आपने स्वीकार तो किया, आपने स्वीकार तो किया, लेकिन इंडिविजुअल स्कूल की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्कूल की नहीं, जनरल बात हो रही है, नंबर वन मैं आपको बताऊं। दूसरा आप ये बताएं कि ऑनलाइन अगर मेथोडोलॉजी जो है वो अगर उसको ढंग से इफेक्टिवली स्कूल प्रॉपर ऑनलाइन फैसिलिटी देके या ये इंश्योर करके देता जिससे कि वो इफेक्टिव हो सकती, इफेक्टिव नहीं है आज की तारीख में। ठीक है आपको सैलरी देनी है इसलिए ऑनलाइन क्लासेस का एक फॉर्मेलिटी चल रही है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा टीचर वाकई में पहले से ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं इन सब चीजों में, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो फोकस होना चाहिए वो स्टूडेंट की ग्रोथ होना चाहिए, स्टूडेंट की एजुकेशन होना चाहिए, वही अगर एलिमेंट मिसिंग है
तो फिर किस बात की फीस है? या ठीक है, फीस में भी कई कंपोनेंट्स है, लेबोरेटरी फी, लाइब्रेरी फीस, वो किस बात की चार्ज हो रही है स्कूल्स में? जी हिमलता जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी की फीस भी ली जा रही है और इसके साथ साथ में दूसरे लैब की फीस ली जा रही है, कंप्यूटर की फीस ली जा रही है, जबकि घर से ही वो ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर उनके स्कूल के सवाल में जोड़ूंगा। दीपक जी, मैं एक मिनट बस कंप्लीट कर दूं। मेरा सिर्फ ये है कि ये सैलरी, स्टाफ, अगर सब चीजें अपनी जगह सही है, मगर आप ये बताएं क्या स्टूडेंट का हित इतना कमजोर है? स्कूल सिर्फ इसलिए बने कि उनको प्रॉपरली एजुकेट करें, अगर वही एलिमेंट नहीं है तो हम क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं कि सिर्फ हम फीस इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि हम हमारे स्टाफ को पे कर सकें, सस्टेन कर सकें? और दूसरी जो मेरे को एक बड़ी चीज से मेरे को बड़ा दुख हुआ, वो ये हुआ कि मैनेजमेंट ने टीचर्स को आगे करके गलत सा एक कन्फ्रंटेशन पैदा कर दिया है, जो नहीं होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट की बड़ी हार्मनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। सवाल में आपके और शांतनु जी के सवाल में एक लाइन जोड़ूंगा हिमलता जी के साथ में, इन सवालों के साथ ही, कि ऑनलाइन में हिमलता जी ने कहा कि साहब हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस सही है, ठीक है, तो अब आप एक बात का और जवाब दे दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस सही है तो जैसा शांतनु जी ने अभी बताया था स्कूलों के बारे में कि स्कूल का क्या होता है कि क्लास में रेगुलेटरी, बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा कि उसकी रेगुलेशन बने, आना जाना सीखे, इन चीजों के लिए विद्यार्थी को लाया जाता है। तो आज जब आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो मैं हूं, मेरे बच्चे के साथ बैठता हूं, किसी बच्चे की माँ बैठती है, उसको बताती है भाई वो स्कूल में देखिए ऐसे अनार लिखा दिखा रहे हैं इसको पढ़, तो वो जो माँ बाप बैठे क्या उसकी भी तनख्वाह का, उसका भी तो समय जा रहा है, उसका स्कूल वाले वेतन उसको भी दे। अगर आप ऑनलाइन पे हर बात ये कर रहे हैं कि साहब हमारा तो कंप्यूटर हो रहा है, तो माता पिता भी आपके काम में सहयोग कर रहे हैं, मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, हालांकि हमारा दायित्व है, मैं माता पिता के दायित्व से विमुख नहीं हो रहा, और मैं तो बात में जोड़ रहा हूँ स्कूल वाले तो उसको भी देखे। अभिभावकों ने अपने बच्चों को 10 से 15 हजार रुपए के मोबाइल भी दिलाए, कंप्यूटर लैपटॉप वो खरीद के वो स्कूल दे क्या? इसके अलावा एक और पक्ष, एक और बात मैं रखना चाहूंगा दीपक जी, जी हमारे राजस्थान राज्य के अंदर करीब 2,35,000 आरटी कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं लगभग, उनके पास ना तो नेट है ना प्रॉपर फैसिलिटी डिवाइस होगी, मैं ही नहीं कहता मोबाइल आज की तारीख में हर परिवार में होगा, लेकिन वो क्वालिटी का नहीं है, एक है, तो क्या वो इस सब पढ़ाई से वो लोग विमुख रह जाएं? उनके डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैनेजमेंट ने या किसी ने चीज को इंश्योर करने का, ये तो एक इम्पोज थोप दी गई चीज है, ऑनलाइन क्लास से बैठना है। हेमलता जी जवाब दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूं, मैं इसका बता दूं। देखिए ये पेंडेमिक जो ये महामारी आई वैश्विक, ये अचानक से आई है, इट वाज नॉट प्री प्लान्ड, तो ये तो एक मोड ऑफ टीचिंग है, ये कोई अपने शौक से नहीं ले रहा है, ये हम भी जानते हैं कि जो वन टू वन टीचिंग होती है, जो बच्चा क्लासरूम में बैठ के टीचिंग जो स्टडी करता है उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बच्चा अगर नहीं आ सकता तो क्या पूरा डंप हो जाए? क्या हम बच्चों को पूरा स्टडी से विमुख कर देवे? आपकी बात मैंने मान ली कि 1 लाख बच्चों में से हो सकता है 20,000 बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास, मैं जानती हूँ ग्रामीण एरिया में नेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, एक घर में 3 बच्चे हैं, एक मोबाइल होता है, उससे प्रॉब्लम आती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या अपन उसके चलते बाकी 80,000 बच्चों को भी विमुख कर दें? मैं जानती हूँ कि सब बच्चे उसको नहीं अवेल कर पा रहे हैं, छोटे बच्चे ऑनलाइन को नहीं समझ पा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल देखा है हम लोगों ने, लेकिन क्या इसके लिए हम पूरी पढ़ाई बंद कर दें? 20% लोगों के पास नहीं है, इसलिए जो पढ़ने वाला बच्चा है या जिसके पास में कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिसके पास संसाधन उपलब्ध है, उसको हम क्यों नहीं पढ़ाएं? ये चीज बताएं आप मुझे। दूसरी बात मैं आपसे ही कह रही हूँ, आरटी की आपने बात करी, ये सरकार इतना दोगलापन कर रही है, 3 साल से आरटी का पैसा स्कूलों को भुगतान हुआ ही नहीं है, लेकिन आरटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो एक सच है। राज्य सरकार ने 3 साल से प्राइवेट स्कूलों को भुगतान नहीं किया है, वो भुगतान नहीं किया होगा, वो एक सर भुगतान नहीं किया होगा, हेमलता जी भुगतान नहीं किया होगा, मैं मानता हूँ भुगतान नहीं किया होगा, वो आपकी एक समस्या और जेन्युइन भी होगी, लेकिन ये तो सत्य है कि आरटी के बच्चे पढ़ रहे हैं 25% कंपोजिशन है। मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी सरकार से अलग आपकी ग्रीवियंस होगी, मगर ये तो सत्य है कि आरटी के 25% कोटा बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो ऐसी कैटेगरी है जिनके पास ये सारे संसाधन उपलब्ध नहीं है सही मात्रा में, उससे तो हम नहीं मना कर सकते ना, वो चीज तो है, नहीं मना कर सकते, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल हेमलता जी, मेरा एक सवाल, एक मेरा और मेरे को हेमलता जी एक और चीज बताएं, हेमलता जी मेरा एक छोटा सा सवाल और आपसे है,
वो ये है कि हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि स्कूल ने फीस माफ नहीं की है, बहुत सी ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने 50% या 25% फीस माफ भी की है और बच्चों की बिल्कुल, लेकिन बहुत से लेकिन हेमलता जी बहुत सी स्कूल ऐसी हैं जो आज भी डोनेशन पे एडमिशन दे रही हैं, उनका क्या जिन्होंने करोड़ों रुपए की जमीनें जो है वो सरकार से ले रखी है, जो करोड़ों लाखों रुपए एडमिशन के लिए अप्रोच चाहिए, एडमिशन के लिए अप्रोच चाहिए, अप्रोच चाहिए, आप नहीं कर सकती। दीपक जी सर आप एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात का पूर्ण रूप से समर्थन कर रही हूँ। दे शुड बी कैटेगराइजेशन ऑफ द स्कूल्स, वो स्कूल जिन्होंने टोकन मनी पर, जिन्होंने जीरो अमाउंट पर सरकार से जमीनें मरी, बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की जमीनें आवंटित करा रखी है, आज उनका बकायदा फर्ज बनता है कि वह ऐसी वैश्विक महामारी में सरकार की मदद करें, और कुछ हद तक उन्हें सरकार की ही नहीं वो अपने जो छोटे स्कूल है। देखिए एक चीज और कहूंगा हेमलता जी, आपके साथ हेमलता जी आपकी वाणी में एक चीज जोड़ रहा हूँ, ये जो बड़े स्कूल है जो जो हाथी है स्कूल हमारी वो सबको समझ में आ सके बात। जी जी हेमलता जी आप अपने बारे में एक चीज, फिर आलोक जी आप आइए। जी मैं यही कह रही हूँ सर कि कैटेगराइजेशन होना चाहिए स्कूलों का, स्कूलों का कैटेगरी वाइज होना चाहिए। फीस पढ़ा रहे सालाना, आपको क्या होता है मीडिया उसको भी उसी तराजू में अभिभावक को देता है, और जो नहीं, नहीं, हम बैलेंस हम जो सही है वही दिखा रहे हैं लता जी, सरकार की सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं बिल्कुल हेमलता जी, हम दोनों ही पक्ष की बात को रख रहे हैं। आलोक जी मेरा आपसे सवाल भी एक ये है कि देखिए लगातार जिस तरह सरकारी कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं या दूसरे क्षेत्र के जो लोग हैं जिनका पैसा लगातार आ रहा है, जिनको सैलरी भी लगातार मिल रही है, वो फिर फीस जमा क्यों नहीं करा रहे हैं स्कूल में? आलोक जी आप बताइए। देखिए दीपक जी दोनों हाथ में ताली बजती है, मैं हेमलता जी आपकी बात से सहमत हूं, हेमलता जी सुन लीजिए, जिन लोगों की सैलरी लगातार दीपक जी तो जवाब मैं दे रहा हूँ, हेमलता जी से कह जवाब भी सुनो, जो सिंगल मदर होती है हम उनको कंसेशन देते हैं, पूरे साल का उनकी फीस माफ करते हैं, और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करती हूँ पूरे राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को सहायता दे दे, हम मैक्सिमम सहायता अभिभावकों को दे देंगे, हम तो पूरे साल उनकी फीस माफ कर देंगे, लेकिन सरकार प्राइवेट स्कूलों को सहायता तो दे। देखिए दीपक जी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, दीपक जी हेमलता जी के हेमलता जी सुन लीजिए, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगे हेमलता जी, ऑडिट अगर स्कूलों की सही तरीके से हो गई दीपक जी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दीपक जी मैं एक जवाब दे देता हूँ आपके प्रश्न का, आपने पूछा, देखिए दीपक हेमलता जी आप सुन लीजिए आपकी बात का जवाब, आपने जो कहा ना, देखिए हेमलता जी कह रही है कैटेगराइजेशन होना चाहिए, मैं आपकी बात से चलो सहमत हूँ, आपने कहा कि स्कूलों का कैटेगराइजेशन होना चाहिए, आपकी बात में जोड़ते हुए आप ही की तरफ से आप ही के पक्ष में एक बात कहूंगा, उस कैटेगराइजेशन के बाद में आप जैसे स्कूल आपने बताया कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो साल का 10,000 रुपए लेकर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो महीने का 10,000 रुपए फीस के नाम पे अधिग्रहण करते जा रहे हैं। अब आपने दीपक जी कहा कि जिनको फीस मिल रही है वो तो जमा कराए, डॉक्टर इंजीनियर जमा कराए, जो वेतन ले रहे हैं वो जमा कराए, जिनकी सैलरी आ रही है जिनको कोई तकलीफ नहीं है बिल्कुल वो क्यों नहीं जमा करा रहे? देखिए दीपक जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिनकी सैलरी आ रही है, जो अधिकारी है, जो बड़े लोग इन बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हकीकत बात है कि जो धनाढ्य स्कूल है उनमें बच्चा भी धनाढ्य का ही पढ़ रहा है, तो वो फीस जमा कराए, मैं सहमत हूँ आपसे। साथ ही ये जो कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें अगर ये देना चाहते हैं ना स्कूल वाले, मैं सारे स्कूल वाले से कहूंगा कि आप जाइए उदाहरण लाइए, इस देश में हजारों बार उदाहरण रहे हैं कि कोई आदमी मसीहा बन के आता है, तो जो बड़े स्कूल है वो एक उदाहरण लाए कि भाई ठीक है मैं तो माफ करूंगा ही, और जो चार बेचारे छोटे स्कूल चल रहे हैं जो जमा कर रहे हैं उन स्कूलों को भी मैं मेरी तरफ से मदद दे दूंगा स्कूल, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई का सहयोग करता है, करता है कि नहीं करता है, हम हमारे पड़ोसी का करता है, स्कूल वाले, अरे स्कूल वाले कौन से बड़े स्कूल है, छोटे स्कूल की मदद कर दी, वो स्कूल बहुत कम है जो माफ कर रहे हैं। हेमलता जी का स्कूल हो सकता है क्या? बिरला स्कूल ने माफ कर दी क्या? माहेश्वरी स्कूल ने माफ कर दी? आप बताओ क्या विद्याश्रम ने स्कूल माफ कर दी? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो खुद कह रहा हूँ ये जो बड़े स्कूल है सबक ले, हेमलता जी बड़े स्कूल सबक ले ना, क्या आप 3 महीने का वेतन नहीं दे सकते? मैं आपसे एक जवाब मांगती हूँ सर, मेरे यहाँ पे 7 साल से बिजली का कनेक्शन है, मेरे यहाँ से सालों से बिजली का कनेक्शन है, विभाग ने कमाया है ना,
देखिए, अब आपने कहा कि बिजली का माफ कनेक्शन है, विभाग ने कमाया ना, इसकी मांग आपकी नहीं, आम जनता की मांग है, सरकार से आप जनता की मांग है, उसके लिए भी मैं तो सामाजिक नागरिक होने के नाते बात कह सकता हूँ। तो सरकार क्या है, सरकार अपनी जेब से नहीं बनाई, सरकार आप और मैं, नाम बदल सकता है, नाम अशोक गहलोत हो सकता है, नाम वसुंधरा राजे हो सकता है, सरकार आम नागरिक होती है, सरकार आप और मैं ही है। अरे भाई समाज की बात कर रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं आप शिक्षक में अभिभावक में, इंसानियत के चेहरे से देखिए अभी बात को। 20 साल तक इसको माफ नहीं करेगी जान रखना। हेमलता जी, दोनों हाथ से आप लोग गिर भी जाएंगे। हाथ ताली दोनों हाथ से बजती है, बिल्कुल दोनों हाथ से ताली बजती है। आप जो निजी स्कूल की बात कर रही है ना, बहुत सी जगह हमने ये, हेमलता जी मेरी बात सुनिए, हेमलता जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हेमलता जी स्कूल ऑनर्स को भी नजीर पेश करनी चाहिए। स्कूल की शुरुआत कर दो, आप शुरुआत कर दो, आप शिक्षक है, शिक्षा की शुरुआत कर दो। हेमलता जी करनी चाहिए स्कूल के ऑनर्स लगातार देख रहे हैं कि स्कूल के जो ऑनर्स हैं वो टीचर्स का भी शोषण करते हैं लगातार, उनके जो हस्ताक्षर करवाते हैं वो 25,000 रुपए करवाते हैं और उनको सैलरी जो देते हैं वो 12,000 या 15,000 देते हैं, तो उनके शोषण को भी रोकना चाहिए। अभी अभी राजस्थान में अगर एक कोई दीपक जी शांतनु शर्मा एडवोकेट जी को सुन के देखिए, बताएंगे क्या बिल्कुल डिपार्टमेंट को गलत कहूंगी क्या, जो कर रहा है उसको पकड़ो ना, प्रॉब्लम तो ये है। मुझे पता लगा था इनको आपने एक हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया है, एक रिट लगाई है और इनको रिट के खिलाफ धमकी भी आई, पूछिए आप इनसे इनको धमकी आई थी कि नहीं आई। बिल्कुल मैं एडवोकेट है, उन्होंने निजी स्कूलों और दूसरे स्कूलों की फीस को लेकर हाई कोर्ट में एक रिट लगाई है। हम ये शांतनु जी इनको धमकी भी आई थी साहब, और इनको धमकी भी दी गई है, तो शांतनु जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आपने क्या रिट लगाई थी, उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य रहा है और उसका वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी। जी देखिए, मैंने जनहित याचिका लगाई थी, मैं 15 साल से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस में हूँ वैसे, और मेरा एक्सपर्टीज है वो एजुकेशन मैटर्स ही रहा है, मैं एनसीटी यूजीसी वगैरह केसेस हैंडल किए, कई यूनिवर्सिटीज का मैं पैनल लगा रहा हूँ, तो ये सब देखते हुए मैंने जो था एक रिट याचिका लगाई, जो कि 29 जून को हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश साहब ने उसमें नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। बेसिक जो रिट याचिका में मेरी जो कंटेंशन थी वो ये थी कि साहब ये ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें ठीक है हेल्थ हैजार्ड वगैरह तो वो एक आस्पेक्ट है ही है, लेकिन इसको इफेक्टिव बनाया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर एप्लीकेशन का यूज करें। आज की तारीख में जितने भी मैं देख रहा हूँ कि यूज कर रहे हैं स्कूल्स, वो जूम ऐप पे हैं या यूट्यूब के जरिए वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो कि 16 साल या 13 साल से कम वाले यूज नहीं कर सकते, तो आप कैसे उनको ब्रीच में यूज कर रहे हैं। किसी स्कूल ने आज तक जहां तक की मेरी जानकारी है किसी ने कोई लाइसेंस नहीं, ऐसा नहीं है यूट्यूब के कोई वीडियो शेयर नहीं किया जा रहा है। देखिए मैं आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप पर्सनल कर रहे हैं, मैंने थोरोली रिसर्च करके लगाई है, सुनिए मेरी बात, मैंने थोरोली इसको रिसर्च करके और प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट की सपोर्ट के बाद रिट याचिका लगाई है। हेमलता जी पहले आप शांतनु जी की पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। शांतनु जी आप अपनी बात कह दीजिएगा, एक बार मेरे को सवाल पूछा है जिसका मैं उत्तर दे दूं, कोई अगर आपको त्रुटि लगे तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं उसका जवाब दीजिए। और मैंने जो की है मैं किसी इंडिविजुअल आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल रिसर्च करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद लगाई है, जैसा कि मैं बता दूं उसी के बाद ही वो एंटरटेन भी हुई रिट याचिका। तो मेरा ये था कि क्यों ना एनसीईआरटी यूनियन ऑफ इंडिया जो एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत मिलकर एक कोलैबोरेशन में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी निर्धारित की जाए, जिसमें क्लास ड्यूरेशन क्या एप्लीकेशन यूज होगा, जिससे कि जो आप टीचर्स पढ़ा रहे हैं कर रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो इफेक्टिव वे में डिलीवर हो सके। साथ ही साथ मैंने ये रेज किया था कि जो चीजें जो फीस वगैरह आप चार्ज कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में आप जो फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं तो वो डिडक्शन होके वो भी रेगुलेट हो, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, लाइब्रेरी फीस माफ होनी चाहिए और सारी फीसें माफ होनी चाहिए जी। अब एक्स स्कूल है उसमें साहब 3 महीने आगे बढ़ गया, वाई स्कूल है उसने शुरू ही नहीं किया, तो एक यूनिफॉर्मिटी तो सिलेबस में हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, एक सिस्टम होता है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन होता है, तो उसको फॉलो किया जाए,
ठीक है ना। इस बार अच्छा स्कूलों ने भी कभी ये पहल नहीं की कि पेरेंट्स से ये पूछे कि भाई हम अगर यहाँ से क्लास ले रहे हैं कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही, 40 मिनट का एक लेक्चर होता है उसके बाद खत्म हो जाती है चीज। एक मेरे को गुलजार साहब का एक शेर याद आ रहा है, उसमें ये था कि पूछ लेता वो मिजाज मेरा, पूछ लेता वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तो आप एक बार ये इन्वॉल्व करके, बहुत बड़ी बात है हेमलता जी, आपने पेरेंट्स का मिजाज पूछा या नहीं पूछा स्कूल के जो ऑनर्स है उन्होंने कि क्या हम ऑनलाइन शुरू करें या नहीं करें। बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है अभिभावकों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दिन हमारी पेरेंट्स से बात होती है, फोन आते हैं, रात को 12-12 बजे तक भी मदर्स फोन करती है हमें, हम फोन उठाते हैं। आपके आते हैं हर स्कूल की बात हो रही है, कम्युनिकेशन गैप स्कूल इस बात को फॉलो करते हैं हेमलता जी। जनरल बात हो रही है, कुछ नहीं करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे बड़े जो अपने आप में गर्व मानते, कुछ नहीं 80% नहीं करते, 80% नहीं करते। मैंने जो 40,000 स्कूलों का बताया आपको, जो 10,000 से नीचे फीस लेते हैं, उनमें से 90% स्कूलों में तो पिछले साल का पैसा नहीं आया। ग्रामीण एरिया में फसल कटाई पर पैसा आता है स्कूलों में, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कतई भी, बात ये है कि एजुकेशन डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है। आपका पैसा नहीं है वो आपकी ग्रीवेंस है, उसके लिए आप अपने इंडिविजुअल स्तर पे जो भी कर सकते हो प्रयास कीजिए, है ना। उससे आपकी इंडिविजुअल ग्रीवेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं कि पैसा आया नहीं आया, आरटी का क्या हुआ नहीं हुआ, बात यह है कि इफेक्टिव है ऑनलाइन फीस, इसके लिए चार्ज करना कितना इफेक्टिव है, बात यह है। ये तो कह रहे हैं अभिभावकों से फीस आती है मार्च पर आती है फीस, और मार्च तो भाई शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। मेरा तो एक ही मुद्दा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर व्यवसायीकरण कल कोई 4 लोग कर रहे हैं, उसका इफेक्ट 40 लाख पर आए, वो गलत है। अगर कोई रिश्वत लेता हुआ एक जना पकड़ा जाए तो ही इज द कल्प्रिट, पूरे डिपार्टमेंट को आपको कल्प्रिट नहीं कह सकते। तो हम तो पूरे तो सबको नहीं कह रहे, लेकिन अगर जो भी है दोषी जो भी है, हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल इन माई हैंड इन योर हैंड टू। हाईकोर्ट के मीडिया से भी बैठे हुए आलोक जी, आप भी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे ये बताइए सेंट जेवियर स्कूल पे क्या कार्रवाई हुई जब उसने लॉकडाउन के तहत बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुला लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पे हुई? एक बेचारा गली का छोटा सा स्कूल जो 4,000 रुपए सालाना फीस लेके पढ़ा रहा है, उसे एक दिन बच्चों को बुलवा लिया उनको सर्टिफिकेट देने के लिए, उसकी मान्यता रद्द कर दी मंत्री जी ने। समय हम सबके पास लिमिटेड है, तो हम लोग टॉपिक पे फोकस रहे वो ज्यादा बेहतर है, है ना। और किसी का गलत अगर पकड़ में आया नहीं आया तो उस वजह से गलत चीज जस्टिफाई नहीं हो जाती। बिल्कुल हेमलता जी, हम अभी मुद्दे पे रहे वो ज्यादा बेहतर है कि सभी का समय बहुत अमूल्य है जी, तो हम मुद्दे पे रहे तो जिससे कोई अच्छी चीज निकल के आ सके, मेरा ये प्रयास है। बिल्कुल आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसा कि कहा कि स्कूलों में जो शिक्षा का व्यावसायीकरण है वो बंद होना चाहिए, और जो बिजनेस के हिसाब से स्कूल चल रहे हैं उन्हें भी बंद होना चाहिए, तो इसके लिए आगे कौन आएगा? क्या आप जैसे समाज सेवी शिक्षाविद लोग आगे आएंगे, या हेमलता जी जैसी जो स्कूल की ऑनर है जो खुद भी ये जानती है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके कुछ चुनिंदा स्कूल जो है वो लाखों रुपए डोनेशन के नाम पे फीस भी लेते हैं और पूरी तरह से उन्हें व्यावसायीकरण कर दिया गया है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहले आलोक जी, उसके बाद मैं वापस शांतनु जी और हेमलता जी के पास आऊं। दीपक जी, मैं तो संक्षिप्त में आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि आपने जो ये पूछा कि कौन आगे आएगा, तो कौन आगे, मैं दीपक जी देखिए मैं इसका एक सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेरा हाथ है, मैंने बताया आपके भी हाथ में 5 फिंगर्स है, इक्वल नहीं है, लेकिन जब ये मुड़ती है ना एक साथ होती है तभी इसको हम मुट्ठी कहते हैं और इसी को ताकत कहा जाता है। लेकिन तो वो एक साथ पड़ेगा दीपक जी, दीपक हाँ, तो दीपक जी आना सबको पड़ेगा, एक मानवता और इंसानियत को इस मस्तिष्क में रखना पड़ेगा निजी हितों का परित्याग करके, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो स्कूल का मालिक हो, चाहे अभिभावक हो, आप इंसानियत और मानवता को ऊपर लाएंगे, इस महामारी से सबक ले पाएंगे और इंसानियत के लिए आवाज उठाएंगे तभी ये हो पाएगा। अदरवाइज तो ये बहसें चलती रहेंगी, मुद्दे आते रहेंगे, विचार की अभिव्यक्ति होती रहेगी और फिर सब चीजें इतिहास के कब्रगाह में चली जाएगी। हिस्ट्री को पहले कहा जाता है, हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ हिस्टोरी, इतिहास यादों का कब्रिस्तान होता है और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, तो इसलिए आज इस चीज की आवश्यकता है। शांतनु जी आप बताइए, शिक्षा का जो व्यावसायीकरण है कितना उचित है, कितना उचित नहीं है? देखिए शिक्षा का व्यवसायीकरण तो उचित कहीं से भी नहीं मान सकता मैं, क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसे आज की तारीख में एक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट माना गया है, तो उसका व्यवसायीकरण तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन ये है कि सभी के
एक कलेक्टिव एफर्ट इसके अंदर जरूर होना चाहिए इशू रिजोल्व करने का। इसको लेके मैं PIL में भी आया था, उसको लेके भी मेरे को बहुत एजुकेशन सहन करना पड़ा, जबकि वो एक बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि मैंने किए इसलिए, लेकिन एक अच्छा मार्ग था जिसमें हम पेरेंट्स या स्टूडेंट मैनेजमेंट साथ आके उसको कर सकता, लेकिन उसका ये हुआ कि उससे और डिवाइड बढ़ रहा है इस चीज का। मैंने ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं कहा कि साहब गलत है या सही है, मैंने कहा इसको स्ट्रेटेजाइज किया जाए, तो ये एफर्ट तो करना पड़ेगा। अगर हम वाटर टाइट एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे तो ये आगे के लिए, अभी 3 महीने 4 महीने बाद चीजें नॉर्मल होंगी, नॉर्मल स्कूल होगी, लेकिन जो एक टीचर का एक जो डिसिप्लिन है स्कूल में, जो एक बच्चे को रखना चाहिए डिसिप्लिन, वो अगर हम वायलेट कर देंगे तो उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग एडवर्स इम्पैक्ट होगा, जो कि सही नहीं है। चाहिए ये कि पेरेंट्स भी अपनी बात रखें, स्कूल वाले भी उनकी बात ढंग से सुने और उसको रिजोल्व करके एक प्रॉपर पॉलिसी, जो कुछ कमियां हैं जिनको हम निस्तारण कर सकते हैं। मान सकता हूं कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, हालातों में हो सकता है, नहीं भी हो सकती हो, लेकिन हम उसको इम्प्रूव करने का एफर्ट तो करें, एक दूसरे को सुनने का तो प्रयास करें कम से कम। तो मेरा मानना है कि सभी का एक कलेक्टिव एफर्ट होगा तब जाके चीज रिजोल्व। बिल्कुल हेमलता जी, आप बताइए कि जिस तरह से जो शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है वो क्या सही है, आप क्या मानती हैं? देखिए, व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्यरत स्टाफ कर्मचारी उनका शोषण भी नहीं होना चाहिए, संचालकों का अनदेखी भी नहीं होना चाहिए, उनका शोषण भी नहीं होना चाहिए। मुझे तकलीफ हुई कि जब आलोक जी कह रहे हैं कि शिक्षक रोल मॉडल हो रहे हैं, वो सड़क पर उतर गए। अभिभावक रोल मॉडल नहीं होते हैं क्या? बच्चे का सबसे पहला रोल मॉडल तो उसके माता पिता होते हैं। जब वो सड़क पे तब उनके ऊपर रोल मॉडल ये नहीं हुआ कि साहब आपको तकलीफ है, यू शुड गो टू द स्कूल, आप सड़क पे उतर के माता पिता भी पहले सड़कों में आ चुके हैं नारे लगा के, फूलों को क्या करें, मजबूरी में माता पिता सड़कों पे मजबूरी में आए हैं ना, आप और अमी उनको लेके आए, और कौन आया माता पिता को? शिक्षक है, यानी शिक्षक आए तो वो उत्पाती, अभिभावक सड़कों पे आए तो उत्पाती नहीं दे रहा, शिक्षक 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 तो बेचारा मजबूर है, शिक्षक तो मजबूर है। देखिए प्राइवेट स्कूल का टीचर तो नौकर पेशा है, वो मजबूर है, उनकी मजबूरी नहीं है, स्कूल के मालिक है, असली दोषी तो स्कूलों के मालिक है, स्कूलों के मालिक दोषी है। जी हेमलता जी, आप हमको सुन पा रही हैं? लगता है हेमलता जी से कनेक्शन हमारा नहीं जुड़ पाया है। आलोक जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए दीपक जी, मैं कह रहा था जैसा अभी हेमलता जी कह रही थी चिल्ला के कि साहब पेरेंट्स अगर शिक्षक बेचारे, शिक्षक को मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं शिक्षक को दोषी नहीं ठहरा रहा, शिक्षक मेरे में और आप में से ही है, मेरे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य, बिल्कुल। शिक्षा जगत के व्यवसायीकरण में जो मालिकाना हक लेकर बैठे हैं स्कूल के मालिक, मैं उनके ऊपर अवगत करता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इंसानियत दिखानी चाहिए कि उनका बेहतर शिक्षा के मालिक लोग जो है जी। ना शिक्षक दोषी नहीं है, उसकी तो बेचारे को आदेश दिया आपने, देखा कि आपने देखा संवाददाता को, उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है, ये मालिक कोई नहीं है। अरे किसने कह दिया ये संस्था है, दिखाने को कागज पर संस्था है, सत्यता सब लोग जानते हैं, सत्यता सब जानते हैं। हेमलता जी मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए फिर, क्योंकि समय की भी पाबंदी है, हमें क्लोज भी करना है, आपके फाइनल व्यूज भी लेते हैं लेना है। मेरा एक सवाल हेमलता जी आपसे इतना सा है कि जब कुछ दिन पहले स्कूल के टीचर्स सड़कों पर उतरे और स्कूल के ऑनर्स ने कहा कि सारे स्कूल के ऑनर्स सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं, सरकार की जो पॉलिसी है उसको वापस लेना चाहिए, तो स्कूल के ऑनर्स सड़कों पर क्यों नहीं आए? सिर्फ उन्होंने स्कूल के शिक्षकों के ऊपर बंदूक रख के उनके कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश क्यों की? सर कोई किसने किसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलाई है, हम भी शिक्षक है, संचालक बाद में, पहले शिक्षक है, ये चयन सिस्टम है, इसको को समझना पड़ेगा। कितने, जैसे कितने संचालक हैं जो शिक्षक हैं, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बंद हो जाता है, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला वापस लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि आपने मान लिया ना स्कूल फैक्ट्री है, लेकिन जैसे ही मान लिया स्कूल उद्योग है, फैक्ट्री है, उद्योग है, मान लिया, नहीं आप गलत समझ रहे हो, फैक्ट्री है, उद्योग है, कि ये चैन सिस्टम है, आप मेरी बात को अजमाइता है उसको मत घुमाइए, ये चैन सिस्टम है, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पे अभिभावकों की फीस ही एकमात्र जरिया है स्कूल में, वो फीस आएगी उसी से अभिभावक पेरेंट्स को तनख्वाह दी, सॉरी टीचर्स को तनख्वाह दी जाती है, या स्कूल के अन्य खर्चे संचालित किए जाते हैं, या कोई ऊपर से किसी का डोनेशन नहीं आता है, ऊपर से कोई 2 नंबर का पैसा नहीं आता है, स्कूल में एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लिया जाता है, एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लिया जाता है, एडमिशन के नाम पर डोनेशन का लाखों रुपए लिया जाता है,
यहाँ दो कैटेगरी के स्कूल है, एक वो जो अभिभावक जो संचालक बेचारा गेट पे खड़े रहते हैं कि मैंने एडमिशन तो हम उनके लिए तो दोषी नहीं बता रहे ना, हम तो उनको दोषी नहीं, हमने भी किसी को नहीं कहा, हमने कहा जो दोषी है उसको दोष है, जो दोषी है उसकी आंख खुले, देखिए ये चर्चा जो है वो चलती रहेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चाहे स्कूल के ओनर्स हों, स्कूल के टीचर्स हों, अभिभावक हों, वो तीनों चारों मिलके चाहे सरकार हो, सभी को मिलकर काम करना चाहिए, वरना जो देश का भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। और चलते चलते मैं आप सभी का फाइनल व्यूज लेना चाहूंगा। सबसे पहले आलोक जी आप अपना 20 सेकंड का फाइनल व्यू दीजिए, उसके बाद मैं शांतनु जी के पास आऊंगा और फिर मैं अंत में हेमलता जी से उनके फाइनल व्यूज लूंगा। पहले मैं चाहता हूं कि आप जो फाइनल व्यू के नाम पर आलोक जी आप क्या कहना चाहेंगे। दीपक जी मैं तो यही कहूंगा कि सारे जिम्मेदार सामाजिक नागरिकों की तरफ से इन स्कूल के मालिकों को कहूंगा कि ये पुरानी कहावत है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखाड़, तो तुम तो क्या हो, जब जनता जागरूक हो जाएगी ना तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है ना ये अपने आप ध्वस्त हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए अभी भी इंसानियत को अपनाओ, फीस माफ करने की शुरुआत करके मानवता की अलग जगाओ, यही मेरा कहना है आपसे इन स्कूल मालिकों के लिए। जी शांतनु जी आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सिंपली सर यही कहना चाहूंगा कि टीचर्स का, मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का, सभी का जो उद्देश्य है वो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, उस डायरेक्शन में सोचा जाए, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, उसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया गया है, उसके लिए प्रॉपर एफर्ट किया जाए और एक अच्छी पॉलिसी निर्धारित की जाए। कभी भी पेरेंट्स हैं वो सड़कों पे आना कोई भी पसंद नहीं करता, ये पहली बार हुआ है, कब किसी पेरेंट ने आना का नहीं किया फीस देने से, हम हमारी सेविंग होती है, कठिन परिस्थिति होती है तभी हम फीस देते हैं, ये बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, अगर वही पार्ट मिसिंग है तो ग्रीवियंस रहेगी, तो उसको रिजोल्व करने के लिए एफर्ट किए जाए और जायज फीस अगर बनती है तो उसको चार्ज किया जाए, लेकिन उसको क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बिना देना जायज नहीं है फीस। जी बिल्कुल, हेमलता जी आप अपने फाइनल व्यूज में क्या कहना चाहिए। हेमलता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर सुन रही हूँ। जी आप अपने फाइनल व्यूज में क्या कहना चाहेंगी। हेलो मैं चाहता हूँ आप अपने फाइनल व्यूज दें। देखिए मेरा फाइनल व्यू यही है, शेरो शायरियों से प्रैक्टिकल जिंदगी नहीं जी जाती है, प्रैक्टिकल जिंदगी जीने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। मेरा फाइनल व्यू यही है कि खाली हम लोगों ने ये चोला नहीं ओढ़ रखा है त्याग करने का, ये वैश्विक महामारी में हम त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी वर्ग भी सामने आए, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री जी सामने आते हैं, क्यों नहीं सरकारी अधिकारी सरकारी टीचर सामने आते हैं, ये अपना वेतन माफ करें, शिक्षा मंत्री जी तो सामने आ गए कल, उन्होंने कह दिया करने के लिए तैयार है, माफ कर भी रहे हैं, हमने इनके बिना करी भी है, लेकिन ये इलेक्शन पर राजनीति नहीं चलेगी, जो मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री जी बेतुके तुगलक की फरमान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे को तो लग रहा है शिक्षा मंत्री है टीचर आलोक के बीच में नहीं बोलिए प्लीज, मैंने आपके भी बीच में नहीं बोला है, प्लीज डोंट इंटरेक्ट मी इन बिटवीन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको एक तरफा ना समझा जाए, 10 लाख कर्मचारी और उनके परिवार उनके आजीविका पे आ गई है, हम सड़क पे नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे, क्या आप चाहते हैं कि जिस प्रकार 4 संचालकों ने आत्महत्या कर ली हम भी लटक जाए, हम भी आत्महत्या कर ले, अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, अभिभावक भी साथ में आप धमकी दे रहे हैं समाज को, वाह वाह क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, कैसे शिक्षक है आप लोग, आप आत्महत्या करना भी बच्चों को सिखाएंगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जी देखिए लगातार जिस तरह जानबूझकर अपनी बात को रखने के लिए कर रहे हैं, आप अभिभावक तरफ से उतर रहे हैं उसको जानबूझकर, और जब शिक्षक बेचारा आत्महत्या का देखिए क्या दबाने जाते हैं दीपक जी, आत्महत्या शब्द ऐसा हो गया, आत्महत्या किसी भी चीज का सलूशन नहीं है, ये हम भी मानते हैं कि आत्महत्या किसी भी चीज का सलूशन नहीं है, आपको लड़ना होगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको संघर्ष करना होगा और उसी संघर्ष से आगे बढ़कर आपकी जीत निश्चित होगी, और हम भी ये कतई नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति हो वो आत्महत्या की सोचे भी, क्योंकि हमको हमारा देश चलाना है, हमारा परिवार चलाना है, और जीवन में उतार चढ़ाव जो है आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्कूल के ऑनर्स हों, स्कूल के टीचर्स हों, बच्चे हों, अभिभावक हों, सभी को एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है, इस युद्ध से लड़ना है और जीतना है, आने वाला कल जो है वो हमारा होगा, हम चाहे स्कूल के ऑनर हों,
चाहे सरकार हो, चाहे स्कूल के टीचर्स हो, चाहे अभिभावक हो, हम सबको मिलकर देश के बच्चों का भविष्य तैयार करना है, क्योंकि देश के बच्चे अगर मजबूत होंगे, भविष्य हमारा बेहतर होगा, तो आने वाला कल आपका और हमारा होगा। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप अभिमन्यु जी आपने और हेमलता जी आपने और आलोक जी आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।